हमीरपुर जिला में जाति सूचक शब्दों की आड़ में ग्रामीणों को बार बार तंग करने के एक मामले को लेकर ब्यार गांव के लोगों ने एक इलाके के दो भाइयों के खिलाफ उपायुक्त हमीरपुर से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि दोनों भाई जाति सूचक शब्दों की धमकी देकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण पूरे गाँव वासियों के अलावा पंचायत प्रधान भी सकते में है। हमीरपुर जिला में जाति सूचक शब्दों की आड़ में ग्रामीणों को बार बार तंग करने के एक मामले को लेकर भियाड़ गांव के लोगों ने इलाके के दो भाइयों के खिलाफ उपायुक्त हमीरपुर से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि दोनों भाई जाति सूचक शब्दों की धमकी देकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण पूरे गांव वासियों के अलावा पंचायत प्रधान भी सकते में है। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने महल पंचायत प्रधान नीता देवी की अगुवाई में उपायुक्त हमीरपुर को निर्मल कुमार के साथ हुए मारपीट की घटना की पूरी जानकारी दी। इस मौके पर निर्मल सिंह ने भी उपायुक्त के समक्ष सारी घटना का विवरण किया और मांग की है कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। जब हम जाते हैं अपना मंदिर में तो ये जाति सूचक का नाम लेते हमारे को टॉर्चर करते हैं, निर्मल कुमार की रात उनके ऊपर हमला कर दिए, सारे गाँव वालों ने उनको छुड़वाया। अगर गाँव वाले नहीं जाते तो शायद इनकी जान को खतरा। इसके लिए हमने गोविंद पुलिस थाना को सूचित किया, उन्होंने FIR लॉन्च की और धारा 325 के अंदर जो अरेस्ट होना था बंदा वो अरेस्ट नहीं किया। अगर हम उनके ऊपर कोई मतलब हमारे पास कोई कोर्ट किसम बेस नहीं है, अभी हम कोर्ट किसम बेस उसको प्रेस करें। हम एक साधारण आदमी हैं काम के, हमारा मंदिर है, हमारा पब्लिक मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मतलब पब्लिक की जो भी प्रॉपर्टी है वो ही है। अगर हम उसका बचाव नहीं कर सकते तो हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए जाना मुश्किल है, आरती करना मुश्किल है। 8 बजे आरती होती है, वहाँ पर भी ये नहीं जानते। इन्होंने बोला भी इनके बारे में हम आगे SP साहब से बात करेंगे। जैसे कोई भी जाए, जैसे मैं चला गया 8 बजे आरती होती है पूरी, तो 8 बजे जब मैं नीचे की तरफ आता हूँ पौड़ी है उधर, तो ये पहले हमला के लिए बैठे होते हैं। महल पंचायत प्रधान नीता देवी ने बताया कि दो लोग आए दिन जाति सूचक शब्दों की धमकियां देकर लोगों को डराते धमकाते हैं। मंगलवार को भी निर्मल कुमार जैन पूजा करने के लिए मंदिर गए थे तो उन पर भी उस परिवार के लोगों ने हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना को लेकर भोरंज थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। मतलब जो गांव वालों को तंग करते हैं और सर जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वो हमें डराते हैं और जाति सूचक का एलिगेशन करते हैं और ये मतलब लोगों पर हमला करते हैं सर, हमें इनसे खतरा है, धमकी देते हैं सर और मार देते हैं। या रात को भी सर इन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दी, सब गांव वाले तब छुड़ाए सर इनको। उसकी FIR भी करवाई है सर, मेडिकल करवाया है सर इनका। क्या आश्वासन दिया सर? अब तो आश्वासन ये दिया कि हो जाएगा काम और आपके पक्ष में होगा, देखते हैं क्या होता है सर। पीड़ित निर्मल कुमार ने बताया कि पहले जाति सूचक के झूठे आरोपों की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जाति सूचक के नाम पर कई लोगों के झूठे केस बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि DC महोदय से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।